वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व जेट्टी का संचालन जीडीए द्वारा कराया जाएगा। इसका रखरखाव और देखभाल की जिम्मेदारी भी शासन ने सीडीओ को सौंपी है। इस प्रयास से जहां स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर माहौल व सुविधा का लाभ मिलेगा, वहीं यहां पर विभिन्न प्रकार की बड़ी प्रतियोगिताएं कराने की भी योजनाएं हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया, हाल में ही हमको पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जीडीए को हैंडओवर करने के लिए इसका संचालन रखरखाव और इसको पूरा हमें ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो अभी हमने एक समिति बना दी है जो हैंडओवर लेने के लिए संयुक्त समिति वहाँ की भी होगी और एक बार इन्वेंट्री की लिस्ट की जाएगी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आज की डेट में हैंडओवर लेने से पहले। तो उसका काम अभी चल रहा है वर्तमान में, अगले 2-3 दिन में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर जीडीए इसको टेक ओवर करके आगे का रखरखाव और संचालन करेगा। संचालन के लिए फिर से नया टेंडर चल रहा है? बिल्कुल, कोशिश की जाएगी कि रामगढ़ ताल को भी दृष्टिगत रखते हुए और शहर की ज़रूरतों को और मांगों को देखते हुए कुछ वाटर स्पोर्ट्स के क्या क्या और एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्या क्या नई एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं इसके ऊपर विचार किया जाएगा और एक बहुत ही नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के फैसिलिटीज़ जो है इस क्षेत्र